कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के साथी की हत्या, गाड़ी से रौंदा भाजपा प्रत्याशी पटेरिया पर केस। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर गुरुवार रात जानलेवा हमला हुआ। इस दौरान उन्हें बचाने की कोशिश में उनके साथी व ड्राइवर सलमान खान की हत्या कर दी गई। भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के समर्थकों ने गाड़ी रोककर नाती राजा पर बंदूक तान दी थी। उन्हें बचाने के लिए सलमान आगे आए तो 20-25 बदमाशों ने उन पर धारदार हथियारों, कुल्हाड़ी और डंडों से वार कर दिया। वे नीचे गिरे तो बदमाशों ने सलमान को गाड़ी से कुचला और भाग निकले। हत्या व प्राण घातक हमले के प्रयास के मामले में खजुराहो थाने में पटेरिया व उनके समर्थकों के खिलाफ हत्या का प्रयास से संबंधित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा सीट पर मतदान से एक दिन पहले यह मामला हुआ है। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के समर्थक शराब बांट रहे थे। रात को जब इसकी सूचना विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा और उनके समर्थकों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और वहां यह वारदात हुई। नाती राजा और समर्थक हमले में गंभीर रूप से घायल सलमान को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। वहां सलमान की जान बचाने की कोशिश की गई लेकिन प्रयास विफल रहे। इसके बाद नाती राजा अपने समर्थकों के साथ खजुराही थाने पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई। अरविंद पटेरिया खजुराहो सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खास बताए जा रहे हैं। राजनगर से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने आरोपों का खंडन किया है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात लगभग 3 बजे सूचना मिली थी कि रलिया फॉल से तोरिया की तरफ जो रास्ता जाता है वहां भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के साथ कुछ गाड़ियां थी। कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा के समर्थक भी अपनी गाड़ियों में थे। इसी दौरान विवाद के बाद हमला किया गया, इसमें सलमान की मौत हो गई। विधायक नाती राजा रोते दिखे। नाती राजा ने थाने में पुलिस अधिकारियों से पटेरिया पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। नाती राजा ने रोते बिलखते कहा कि हमें जीने का अधिकार भी नहीं है, यह कैसी सरकार है। नाती राजा ने कहा कि उन लोगों ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि चढ़ा दो गाड़ी इन पर। मैं गाड़ी में आ गया लेकिन सलमान नहीं आ सका अंदर। प्रत्यक्षदर्शी शाहिद खान ने आरोप लगाया, पटेरिया के लोग शराब बांट रहे थे। नाती राजा ने गाड़ी को रोका और जब सलमान बाहर निकले तो उन पर हमला कर दिया। पटेरिया के लोगों की 12-13 गाड़ियां थी। पुलिस ने दर्ज किया केस। इस हमले की घटना को लेकर कलेक्टर संदीप जीआर, एसपी अमित सांघी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजनगर के भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित उनके समर्थकों पर खजुराहो थाने में धारा 302, 307, 147, 149, 294, 506 का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज क्या घटना हुई है? क्या घटना हो गई आज की घटना? हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं तो हम लोगों ने रनीफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसे बैठी हुई थी तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी, वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश डूब चुका है और ऐसे हत्यारों को
मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।